नीम का थाना क्षेत्र में एक दूल्हा दुल्हन पर फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना आज सुबह की है, जिसमें नीम का थाना के जीर की चौकी के पास आरोपी ने दूल्हा दुल्हन की गाड़ी पर फायर कर दिया। फायरिंग की इस घटना में दूल्हा और दुल्हन दोनों घायल हो गए। दुल्हन की आंख के पास चोट आई है, वहीं दूल्हे के कान के पास चोट आई है। वहीं घायल दूल्हा और दुल्हन को नीमका थाना के कपिल चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के बाद अस्पताल में भीड़ जमा हो गई और फायरिंग करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि आज सुबह ही दुल्हन पाटन थाने के हेमराजपुरा गांव से विदा होकर के लौट रही थी। इस दौरान नीमका थाना के जीर की चौकी के पास यह घटना हुई। सरेआम हुई इस घटना को लेकर के क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। वहीं नीमका थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताओ 10:39 पर हेमराजपुरा से हम रवाना हुए, जिसमें दो दूल्हे दो दुल्हन और एक जो हमारा गेस्ट था वो था। इसी में 5,05,500 अकाउंट पे जो कचौड़े के रूप में दिए थे वो उसी गाड़ी में हमने रख दिए। जिसमें रवाना हुए 15 मिनट बाद हमारे पास कॉल आया कि फायरिंग हो गई और संजू और उसके नीचे जो कोमल है उनको गोली लग गई। संजू को दाई साइड में कनपट्टी में और इनको इधर से लग के पूरी आ तक गई। इनकी आलस ही गया जो ही रायपुर मोड़ से 200 मीटर चले मेन रोड पे बाइक सवार तीन, एक बाइक पे तीन युवक सवार थे। उन्होंने दो बार ओवरटेक किया, रोका नहीं ड्राइवर ने, फिर आके सामने से लगा दिया गाड़ी को सामने लगा दिया। उसके बाद तुरंत देसी कट्टे से सिल्वर कलर का कट्टा था उससे दो फायर कर दिए, जो दोनों एक संजू को लगा रहे एक कोमल। क्या मामला क्या था? मामले का तो पता नहीं। कितने लोग थे आप गाड़ी में? शेयर लूट पाट का ही हो सकता है। गाड़ी में कितने लोग थे आप? छह लोग सवार थे। क्या नाम है आपका? मेरा महिपाल। एक फायर किया गया उन्होंने? नहीं, दो फायर किया दोनों, एक लड़की को लगा एक लड़की। कहाँ से हैं आप? मैं संजू का भतीजा हूं, चाचा हूं। बारात कहाँ से आई थी? बारात चकजोतपुरा से इमराजपुरा। साफ करी को तो मारो।